खरीफ फसल 2019 की फसल बीमा का लाभ नहीं मिलने से नाराज किसानों ने गुरुवार दोपहर को टंकी चौराहा स्थित सीसीबी बैंक परिसर में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। किसानों का आरोप था कि बैंक अधिकारी उन्हें 4 माह से बैंक के चक्कर यह कहकर लगवा रहे हैं कि बीमा कंपनी ने उनकी फसल बीमा की राशि नहीं दी है, जबकि फसल बीमा के अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने बैंक में राशि जमा कर दी है। ऐसे में बीमा कंपनी और बैंक के अधिकारी किसानों को परेशान कर रहे हैं। इसी से नाराज होकर उन्होंने आंदोलन किया। किसानों को आक्रोशित देख बैंक अधिकारियों ने 7 दिवस में राशि दिए जाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद किसान शांत हुए। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि 7 दिनों में राशि का भुगतान नहीं किया गया तो वे चक्का जाम कर हम विगत 3 से 4 माह से सीसीबी ब्रांच पहुंच रहे हैं। अभी तक 2019 के खरीफ का बीमा जो राशि थी, बैंक वाले बोलते हैं कि हमारे पास नहीं आई। बीमा कंपनी वाले बोल रहे हैं कि हमने बीमे की राशि जो है बैंक को पहुंचा दी है। हम बारंबार 3 से 4 मरतबा इनके पास आ चुके हैं। इनके रवैये, इनके अडल रवैये, इनके अधिकारियों के जो रवैये हैं, सीसीबी जो ब्रांच के सीईओ हैं, वो अपने आप को एक ऐसे एटीट्यूड में बांधे हुए हैं कि हम किसान उनकी बाधा हैं। किसान को ये ना समझा जाता है कि किसान अपना हिस्सा है। किसान हैं तो उनकी सर्विस है, किसान नहीं रहते कहाँ रहेंगे। किसानों को आज तक बीमे की राशि नहीं दी गई है और बारंबार इनको लिखित में दे दिया गया है। लिखित में देने के बावजूद भी अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई है और 3-3, 4-4 बार बीमे वाले को भी बात करवाई है, वो बोलते हैं कि राशि हमने दे दी चुके हैं। खामखेड़ा पंथ के पूरे किसानों की कम से कम 230 किसान की राशि है। अगर आपकी राशि नहीं अभी नहीं आई तो आप क्या करेंगे? अगर हमारी राशि आज दिनांक तक उपलब्ध नहीं होती है और आगे हमें बैठना पड़ता है, बैठेंगे। अन्यथा अगर नहीं होता, शासन प्रशासन की जवाबदारी रहेगी, हम रोड चक्का जाम और आगे की कार्रवाई करेंगे।